हेलो व्यूअर्स, काफ़ी लोगों ने डिमांड किया था कि हमें पिज़्ज़ा बनाना सिखाओ, क्योंकि मैंने इंस्टा पे स्टोरी लगाई थी। तो मैंने सोचा यार कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो आज मैं आपको दो तरीके से पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगा। पहला है ओवन में, दूसरा तवा पिज़्ज़ा। अब आप देखो कि कैसे बनता है ये पिज़्ज़ा। बहुत ईजी है भाई, आधे घंटे में आपका पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। और जो ओवन वाला होगा वो होगा चीज़ बस पिज़्ज़ा, और जो तवे वाला होगा नॉर्मल पिज़्ज़ा होगा। तो चलो पहले इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हम डाल रहे हैं थोड़ा सा नमक पहले, और अब डालेंगे मिर्च, यानी 1 to 2 टीस्पून डाल रहे हैं हमें बस मिर्च और नमक। इसका चाट मसाला। तो हमारे इंग्रेडिएंट्स ये हैं कि पहला है टमाटो, हमने एक टमाटो काटा है, और ये अप्रॉक्स 50 ग्राम्स ऑफ पनीर है, और ये 1 ऑनियन है, एक शिमला मिर्च, इसकी इंग्लिश मुझे नहीं पता, और ये बटर थोड़ा सा, और यहाँ पर हमारी चीज़, ये हमारा पिज़्ज़ा बेस दो, और ये हमारा मसाला है। इसमें हमने नमक, मिर्च, चाट मसाला और गरम मसाला, और ये हमारी सॉस। इसमें हमने डाले हैं रेड केचप और एक ग्रीन चिली सॉस। आप पिज़्ज़ा सॉस भी यूज़ कर सकते हो, पर मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है तो हमने ये यूज़ की। तो अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा पिज़्ज़ा बेस गरम करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होता है, हमें फ्रिज में रखते हैं, इसलिए ज़्यादा गर्म नहीं करना है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत हल्का सा, यानी आउटर से करना है हमें यहाँ पे। तो ज़्यादा कर दो तो ये जल जाएगा, बस ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ओवन जो होता है उसमें काम करते हैं। तो यहाँ पे मेन काम हमारा शुरू होता है। और जो हमने यहाँ पे केचप ली थी इसको हम लगाएंगे, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं लाइट को, अब लाइट सही आएगी। हाँ, अब हम इसको इस पर लगाएंगे। और ये है कद्दूकस, आप लोग जानते हैं, किसी को नहीं पता अपनी मम्मी को से मम्मी कद्दूकस क्या होता है। इससे हम इसको ऐसे ऐसे इस पर फैला के, ये शिमला मिर्च, अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखना आप लोग कि जो चीज़ डालो पहले से मत कर लेना मैश, क्योंकि वो चिपक जाती है। हमसे एक गलती हो गई, हमने मसाला डालना भूल गए, तो हम मसाला ऊपर से डाल रहे हैं। तो थोड़ी और चीज़ डाल देंगे, मसाला ज़्यादा नहीं डालना है, आप मैगी मसाला भी डाल सकते हो, पर अकेला मैगी मसाला डालो तो वो टेस्ट नहीं आएगा आपको, मैं बता देता हूँ। सिर्फ मैगी मसाला डालने से कुछ नहीं होने वाला, बहुत हल्की सी चीज़ और डाल दिए ताकि जो मसाला है ना वो कवर हो जाए अच्छे से, और जो थोड़ी बहुत मोटी चीज़ रह जाती है वो आप डाल दिया करो, कोई प्रॉब्लम वगैरह पिघल नहीं है वो। तो हम थोड़े हाथ साथ इसको रख देते हैं हम ओवन में, और यहाँ पे है ऑटो रीहीट पे फ्रोज़न पिज़्ज़ा, इस पर लगाएंगे, आपके में कोई और मोड के नाम से होगा। तो ये हमारा नंबर लिखा हुआ, तो यहाँ पे है ऑटो रीहीट, इसको करेंगे हम 4 पे, मैं कर रहा हूँ इसको 6। सो यहाँ पे 20 मिनट्स पे लग गया, लेकिन आपको ऐसे छोड़ना नहीं है इसको, ऐसे 20 मिनट्स पे आपको इसको देखते रहना है, क्योंकि कभी भी चीज़ बस्ट हो सकती है। और चीज़ बस्ट होगी ना तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि डो जो है हमारा गर्म हो रहा हो, अगर डो गर्म नहीं हो रहा तो आपको इसको थोड़ा ऊपर करके रखना पड़ेगा, ठीक है। सो हमारा तैयार हो गया ये पिज़्ज़ा, और देखो चीज़ बस्ट हो गया नीचे और ऊपर, यानी चीज़ बस्ट, और ये काफ़ी अच्छा बना है, और हर साइड इसकी अच्छे से गर्म हो चुकी है, अब हम इसको खाएंगे। सो गाइस, हमारा दूसरा पिज़्ज़ा भी रेडी है, काफ़ी अच्छा है ये भी, बिल्कुल सेम वही है, बस इसमें जैसे हम गरम कर लेते हैं ना डो को, थोड़ा सा वो नहीं किया है हमने, क्योंकि इस तवे पे आ जाएगा, और आगे देखो बस इसको ढक देना है और कुछ नहीं है ऐसा। सो इसको गैस पे रख दिया हमने, गर्म होगा थोड़ी देर, और गर्म करना इसको इसलिए ज़रूरत ताकि डो अच्छे से गर्म हो जाए, जैसे हमारा ओवन में हुआ था। आगे देखो, अब इसको ऐसे ढक देते हम, यानी 15 मिनट के लिए ढकना है बस। अब इसमें आप चेक तो कर नहीं सकते उसे खोल के, और करना भी मत, बहुत गर्म होने वाला है, 15 मिनट बाद आपको पूरा पिज़्ज़ा अच्छे से रेडी मिलने वाला। सो गाइस, हमारा दूसरा पिज़्ज़ा भी रेडी हो गया भाई, क्या बना है, ये तो पहले वाले से बहुत अच्छा तवा पिज़्ज़ा,
और देखो यार इसमें बस इतना है, चीज़ बर्स्ट नहीं हुई है, बाकी सब बहुत बढ़िया। इसको भी मैं फटाफट खा लेने वाला हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है इसको देख के। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भाई बहुत अच्छा पिज्जा बनता है, मैंने खा लिया यार इतनी तेज, यानी इसको देखते ही भूख लगी ना, मैं बस कुछ वर्ड्स नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बहुत मस्त मस्त वीडियो आने वाली है, और शेयर मारो यार वीडियो को, शेयर मारो। और कोई बताओ यार पिज़्ज़ा कैसे बनता है, तुम्हारे भाई ने बनाया है भाई, कोई क्वेरीज हो तो मुझसे पूछ लेना, यहाँ पे मेरा इंस्टा का नेम आ रहा होगा, वहाँ पे आप पूछ सकते हो, नहीं तो कमेंट सेक्शन में करो, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ।